गुड मॉर्निंग मॉमीज, वेलकम टू प्री स्कूल एजुकेशन। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब हम बच्चों को स्कूल में हम लोग एडमिशन करवा देते हैं, उसके बाद फॉर प्री नर्सरी क्लासेस। ओके, दिस वीडियो इज़ फॉर प्री नर्सरी क्लास। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब हम बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, उसके बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान करना है और किस तरीके से बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। क्योंकि कई पेरेंट्स क्या होते हैं, मतलब वी हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो हमें ये बोलते हैं कि बस लिखना आना चाहिए बच्चे को, आप स्टार्टिंग से ही बस लिखवा दीजिए मैम, आप उन्हें राइटिंग सिखा दीजिए, आप राइटिंग। नो, बट दिस इज़ नॉट द वे। वी आर हैविंग सम ट्रिक्स कि धीरे धीरे बच्चा स्टेप बाय स्टेप, वी यूज़ स्टेप्स। यस, उसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कलरिंग। तो फर्स्ट स्टेप कलरिंग है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को शीट्स, कलरिंग शीट्स देते हैं। उन कलरिंग शीट्स में कोई भी पिक्चर ड्रॉ होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर देते हैं, फ्रूट होता है या कोई वेजिटेबल्स हो सकती है वो, या कोई टॉय। यस, लाइक दिस, ओनली फॉर कलरिंग, नॉट फॉर रिकॉग्निशन। हाँ, उस टाइम आप बता सकते हो थोड़ा बहुत कि दिस इज़ दिस वन टॉय या दिस इज़ दिस फ्रूट, लाइक दिस, है ना, कि ये दिस इज़ मैंगो एंड दिस इज़ पपाया, दिस इज़ कीवी, दिस इज़ ग्रेप्स, लाइक दिस, कुछ भी। बट फर्स्ट स्टेप होता है कलरिंग। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इंग्लिश में लेटर्स के थ्रू उनको सिखाते हैं। और लेटर्स में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर हम लोग लेटर्स लिखते हैं और नीचे लेटर से रिलेटेड पिक्चर बनाते हैं। एंड देन जो ओरिजिनल कलर होता है, जैसे अगर ए फॉर एप्पल, इफ़ वी आर गिविंग दैम ए फॉर एप्पल, तो एप्पल में एप्पल का ही कलर होगा। तो वो साथ साथ ए दे लर्न लेटर एंड कलर्स ऑल्सो, ओरिजिनल कलर, अबाउट ओरिजिनल कलर, कि अगर ए फॉर एप्पल हमने दिया है, मैम इज़ गिविंग ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का कलर क्या होता है, वट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल, रेड, लाइक दिस। अब मैं आपको कुछ शो करती हूँ, आई विल शो यू सम वर्कशीट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मैंने लिया है वन, वर्कशीट ऑफ नंबर वन। तो वन के लिए आई हैव ड्रॉन हेयर वन एरोप्लेन। तो आई हैव टू आस्क टू देम कि बेटा दिस इज़ वन, नंबर वन, और आपको इसमें कलर करना है। अब एरोप्लेन का तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई कलर है नहीं, आप कुछ भी कलर करवा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ओरिजिनल थिंग्स, जैसे एप्पल है, सन, यस, लाइक दिस। तो उनमें आप सेम कलर करवाओगे, अलग अलग कलर नहीं करवाएंगे, ये है, लाइक दिस, ओके। उसके बाद टू, इफ़ वी आर डूइंग टू, तो यहाँ पर आई हैव ड्रॉन टू पिक्चर्स रिलेटेड टू नंबर टू, टू फ्लावर्स, ओके। तो आपको बताना भी है जिस समय आप नंबर्स करवा रहे हो ये वर्कशीट, दिस इज नंबर टू एंड हाउ मेनी फ्लावर्स बेटा, काउंटेड, वन टू, हाउ मेनी फ्लावर्स, टू फ्लावर्स, एंड दे विल फिल द कलर, ओके। तो आप इस तरह से वर्कशीट बना सकते हैं, इस तरह से आप पूरी 10 की 10 वर्कशीट बना सकते हैं। अगर आपको इफ़ यू वांट तो कमेंट बिलो एंड आई विल शेयर द वर्कशीट्स रिगार्डिंग इट, ओके। अब है नंबर, जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि पेरेंट्स को ये लगता है कि जैसे ही बच्चे हैं तो राइटिंग स्टेप बाई स्टेप, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, आफ्टर दैट स्वर। तो प्री नर्सरी क्लास में हम कुछ ही अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स के थ्रू हम शुरू करते हैं जब भी हमारी कलरिंग फिनिश हो जाती है, उसके बाद हम स्ट्रोक से शुरू करते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, लाइक दिस, ओके। वो स्टेप बाई स्टेप आप मुझसे प्लीज़ स्टे ट्यून, मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को बताती जाऊँगी कि हमें किस तरीके से कराना होता है, एंड आई विल शेयर द वर्कशीट्स ऑल्सो स्टेप बाई स्टेप, और डे बाई डे हम करेंगे, ओके। और अब उसके बाद जो आता है, जब राइटिंग बच्चे शुरू करते हैं तो स्ट्रोक से हम लोग राइटिंग करवाएंगे स्ट्रोक्स के साथ, और कुछ पर्टिकुलर हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्वर होते हैं और नंबर्स होते हैं, वो भी पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स नहीं लेते हैं हम उसमें, यस। तो जो स्ट्रोक्स के साथ, यस, जो ईजी होते हैं वो हम प्री नर्सरी में कराते हैं, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है फिर वो होता है नर्सरी क्लास में, नर्सरी में ए टू जेड, एंड वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ हैव पेशेंस, और बहुत आराम से ये भी जितनी भी बातें मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं यही फॉलो करिए अपने बच्चे को जब भी आप न्यू एडमिशन करवाते हैं, एंड हैव पेशेंस।
तो बहुत अच्छे से बच्चा ग्रो करेगा, उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। और वो बहुत इन्जॉय करेगा क्लास में। ये नहीं है कि मतलब जाते ही हम बच्चे को राइटिंग शुरू करा दें नॉल, ये सब नहीं है। तो वो इन्जॉय भी करेगा चीज़ों को। आप उसे ओरल करवाइए जितना आप ओरल करवा सकते हैं, या जो भी मैम उन्हें करा रही हैं, क्योंकि नर्सरी प्री नर्सरी केजी में तो हम ओरल पे फोकस करते हैं। एंड स्पीक लिटिल लिटिल सेंटेंस अलॉन्ग विद दैम, उनके साथ आप बोलिए। ओके ओके नाइस टू। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।